हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी हम सीखने जा रहे हैं एक मेकअप क्लास। स्टूडेंट सब आ गए हैं और वो उनकी बेसिक कोर्स की एग्ज़ाम चल रही है, तो बेसिक कोर्स सिखा के हो गया है। तो अब वो लोग मुझे बेसिक साइडर्स कैसे तैयार करते हैं वो सब वन बाय वन रोज मेकअप हेयर स्टाइल और सारी स्टाइल करके बता रहे हैं। तो गाइस चलिए वो सीखते हैं। और मेरी आवाज़ को इग्नोर कर दो, गाइस बैठ गई है। तो चलिए मेकअप सीखते हैं। तो गाइस ये है मेकअप प्रोडक्ट्स। इसमें है क्लींजिंग मिल्क, आईलाइनर, मस्करा। ये बोलो ना कोई, मैं आपको दिखा देती हूँ सब कुछ। एक जन बोलो आके प्लीज, मेरा आवाज बहुत गया है। वन मिनट लाइन वाइज सगा बोल मजा। ओके, क्लींजिंग मिल्क, क्लींजिंग मिल्क है, हेयर स्प्रे है और फाउंडेशन है, आई लाइनर है, मस्करा है, आई लैशेस है, मैट लिपस्टिक है और ब्रशेस, बीन्स काटे हैं, ब्यूटी ब्लेंडर है, स्विच है, बिंदी है और ऑर्नामेंट्स है। गाइस देखिए ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे आवाज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बैठ गया है, उसको खड़ा होने में टाइम लगेगा। तो गाइस ये है सारा मेकअप का सामान और इतना भी ये हाइलाइटर है, पर इतना भी आप मेकअप का ब्रांड पे मत जाओ। कोई भी मेकअप, सारे मेकअप अच्छे ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस बहुत महंगा हम सारा यूज़ करेंगे तो चलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ चाहिए और बहुत सारी चीज़ के लिए हमें थोड़ा रिजनेबल चीज़ ही लेनी पड़ेगी, तो ही हमारा इतना सारा सामान आ सकेगा। तो गाइज आज ये स्टूडेंट, मेरी स्टूडेंट ने इतना सामान लाया है, उस पे से वो एक सिंपल लुक क्रिएट करके बताएगी। गाइज और इंडियन कोई भी तैयार होंगे तो गजरा तो जरूर से लेते ही हैं। तो ये है गजरा और मेरा सबसे फेवरेट है गजरा। गाइज लगे हैं, लोग लगे हैं एक को हेल्प करने के लिए 10 जन। बस ना, क्या करते बेटा? क्लींजिंग मिल्क साफ करते। अंजलि मस्त बोलते। गाइस सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क से फेस साफ कर रहे। गाइस अब आइस का मसाज कर रही है वो, और बर्फ तो आप जानते ही हो ठंडी होती है। उसका हालत खराब हो रहा है। गाइस ये अप्लाई कर रही है 9 to 5 लैक्मे की फाउंडेशन क्रीम। अब ये है पेन स्टिक, तो इसके ऊपर पेन स्टिक हम अप्लाई करेंगे। इसको ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड कर देंगे। गाइस आज मुझे समझ में आ रहा है मेरी आवाज की वैल्यू। ये मेरी स्टूडेंट बोलने को तैयार नहीं है तो मुझे बोलना पड़ रहा है आपके लिए। कुछ है आईशैडो सूट, जो जैसा कर रही है ना देखो उसकी मर्जी के हिसाब से वो कर रही है। चल फटाफट। अरे
जैसे डार्क में है ना जे पाहिजे ते घे, त्याच्यावरचं पण घेऊ शकते, ब्लॅक पण घेऊ शकते तू मागे, ब्लॅक घे त्यापेक्षा. ओके काही जो मुझे इशारे से बता रही है कि मैं ऊपर शेड कर रही हूँ. आवाज ने मेरा प्रॉब्लम दे दिया है बहुत सारा. डोळे उघडू नको. हा गाइस, आप आंखों का मेकअप कितना भी कर लो पर आईलाइनर के शिवाय कोई शोभा ही नहीं उसकी. आज गाइज आप सिर्फ देखने का काम करो, फिर भी मैं बोले जा रही हूँ, मेरा आवाज आपको बहुत 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 गंदा लगता होगा. एक चॉकलेट ने मेरा आवाज बिठा दिया है. ये लड़की ने अच्छा आईलाइनर लगाई है. थोड़ थोड़ जास्त नहीं, नेकला बरोबर लाओ. गाइज अब कॉम्पैक्ट लगाया जा रहा है और देखिए नेक उसकी डिफरेंट लग रही है, तो नेक पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अच्छे से लगाना पड़ेगा और हाथों पे भी. हाँ फाउंडेशन लावलं तिने पण कमी लावलं. गाइज हर मेकअप वीडियो में बताती हूँ, आप जब भी फेस पे मेकअप करो तो कान, गला और हाथ पूरा उस पे भी सेम आपने फाउंडेशन कॉम्पैक्ट वगैरह लगाना है और ये बात हमेशा ध्यान रखना. ते नंतर आपण साफ करूया. गाइस काजल ना आप उनको खुद को लगाने को बोल दीजिए ताकि उनकी आंख में से पानी ना आए. अगर आप एक्सपर्ट है तो आप लगा सकते हो, पर अगर आप सीख रहे हो और किसी का ऑर्डर लिया है आपने तो आप उनको खुद को लगाने को बोलिए. गाइस अब हाइलाइटर लगाया जा रहा है, हाइलाइटर से थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी फेस पे. अरे ऐसा करना स्प्रेड करना, तो थोड़ा हंस बाबू दिखाती करते हैं. वरतून घे, डाउन ना आहे वरतून घे, सिर्फ चीक बोन वर आला पाहिजे. जास्त नाही गोल्डन गोल्डन छान दिसते, गोल्डन गोल्डन नाही जास्त दिसते. नाकावरती थोडं स्प्रेड कर. आता पाणी येईल तुम गाइज इसके बाद हेयर स्टाइल करनी है पर पहले ऑर्नामेंट्स पहन के लेते हैं ताकि बाल हमारे खराब ना हो.
राहू दे नको, सोन्याचं काय काढू नको. लॉन्ग आहे ना, नंतर जाईल ना. नको छोट कर अजून थोडस. हे लूज कर म्हणजे एखादी. हा मग तेच कर. काय ग हेअरस्टाईल करेगी? काय ग हेअरस्टाईल करणार ना? कुठली करणार आहे? व्ह्युअर्स बघणार आहे. छान हेअरस्टाईल पाहिजे मला. ओके नेट आहे त्याला, नेट आहे नेट. अरे नेट मध्ये जाईल ते. निकिता हेल्प करो, रबर नाही मिळत आहे ते जाणार. स्प्रे कशाला मारते बाई? छोटे मोठे केस आहेत ना. बर वाटते. अटकवलेस ना तरी होती त्याला पिन मारायची. सोडू नको, सोडू नको. गावठी वाटेल, सोडू नको. असं छान वाटत ना. तुझी पिन लावते का याला? या टाक ना. बस का इकडे थांबणार आहेस तू? सांभाळणार आहेस? आता नाही सांभाळत. झालं झालं, फोटो काढायचे बस. अजून काय बाकी आहे का? इकडचं जास्त डार्क केलंय रेड आणि इकडचं हे केलंय. मेकअप छान वाटतय मस्त. माझ्या फ्रेंडने करा छान वाटतो. आवडलं तर लाईक करा आणि शेअर करा आणि कमेंट्स करा. तो गाइस ये है मेरी मॉडल और ये तुझे नाव काय? रुचिता. रुचिता ने इसको तैयार किया है.